नमस्कार द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने दोस्तों की। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। सतपाल गंगवार के टिकट सरेंडर की बात से खलबली। बरेली सीट पर भाजपा ने लंबी कश्मकश के बाद अपने पत्ते खोले। 8 बार के सांसद संतोष गंगवार की सक्रिय राजनीति पारी पर विश्राम लगा दिया और कुर्मी बाहुल सीट पर जाति समीकरण साधते हुए पूर्व बहेड़ी विधायक सतपाल गंगवार को टिकट थमा दिया। उम्मीद थी कि केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद कार्यकर्ताओं में विरोध के सुर नहीं उठेंगे और पार्टी में चल रही अंदरखाने की खेमेबाजी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाजपा नेत्री और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्वतंत्र निदेशक डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि इससे बुरी बात क्या होगी कि भाजपा बरेली प्रत्याशी छतपाल जी अकेले अपना प्रचार कर रहे हैं, सारे विधायक संगठन पदाधिकारी नतारत हैं। कल हताश प्रत्याशी ने टिकट सरेंडर करने की बात तक भरी मीटिंग में कर डाली। डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज की यह पोस्ट वायरल होने के बाद पार्टी में हड़कंप मच गया है। भाजपा में अंदरखाने छतपाल गंगवार के खिलाफ चल रही खींचतान खुलकर सामने आ गई है। भाजपा नेत्री यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने अपने फेसबुक पर भी एक पोस्ट की है। इसमें पार्टी पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किया है। बहरहाल पार्टी की ओर से अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहेड़ी में सपा ने किया सख्ती, प्रदर्शन मंच पर दिखे दिग्गज। पीलीभीत लोकसभा सीट की बहेड़ी विधानसभा पहुंचे सपा प्रत्याशी प्रसन्न गंगवार ने रविवार को शक्ति प्रदर्शन करा। नवाबगंज से 6 बार विधायक और अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके भगवत सिंह गंगवार के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर दिक्कत एक साथ नजर आए। मंच से सपा के प्रदेश महासचिव एवं बहेड़ी विधायक अताउर रहमान, पूर्व नगरपालिका चेयरमैन अंजुम राशिद, पूर्व विधायक सुल्तान बेग समेत तमाम नेताओं ने भगवत सिंह गंगवार को जिताने की अपील की। आंवला सांसद के होली मिलन समारोह में उमड़ी भारी भीड़। आंवला सांसद एवं भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह समेत भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान सांसद एवं कैबिनेट मंत्री ने लोगों संग फूलों वाली होली खेली। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि होली मिलन का यह सैलाब वोट में तब्दील होने वाला है, कोई ऐसा गाँव नहीं है जिससे लोग नहीं आए हैं। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी। IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए CGM कोर्ट में अर्जी दी गई है। अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि मौलाना तौकीर रजा आला हजरत परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनका समाज में खासा प्रभाव है। बीती 9 फरवरी को शहर में धारा 144 लागू होने के दौरान जुमे की नमाज के बाद मौलाना ने सामूहिक गिरफ्तारी का ऐलान करके भीड़ को इकट्ठा करने की योजना बनाई। इसके बाद श्यामतगंज में टकराव हुआ, जो भड़काऊ बयानों का परिणाम था। कोर्ट से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रार्थना की गई है। कोर्ट ने इस पर पुलिस से रिपोर्ट मांगते हुए सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है। आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी टोल टैक्स की बड़ी दरें। दिल्ली, लखनऊ, पीलीभीत और नैनीताल का सफर रविवार रात 12 बजे से महंगा हो जाएगा। टोल टैक्स की बड़ी दरें रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। कार, वैन, जीप के टोल टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है, पर अन्य भारी वाहनों पर 5 से 10 रुपये तक की वृद्धि की गई है। सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में कैदी ने खिंचवाई फोटो। बरेली सेंट्रल जेल में बंद शूटर आसिफ खान का लाइव वीडियो चैट वायरल होने का मामला भी ठंडा नहीं हो सका है। इस बीच सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी समीर उर्फ राका के हाई सिक्योरिटी बैरक में मोबाइल से फोटो खिंचवाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जेल में कैदियों को फोन से लेकर हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। कैदी की जेल से फोटो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। 4 अप्रैल को होगा 20वां पंजाबी वैवाहिक परिचय सम्मेलन। पंजाबी वैवाहिक परिचय सम्मेलन का 20वां समारोह 4 अप्रैल को मॉडल टाउन स्थित हरिमंदिर बरात घर में होगा। पंजाबी सेवा समिति के महामंत्री लोकेश कालड़ा ने बताया कि परिचय सम्मेलन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह की व्यवस्था समिति के द्वारा की जाती है। अब तक 140 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अजंता स्वीट्स के चेयरमैन रामउतार अहूजा, मुख्य वक्ता RSS के ब्रज प्रांत के संचालक शशांक भाटिया और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनोद पागरानी शामिल होंगे। नौमैला मस्जिद में कुरान मुकम्मल होने पर जश्न। सिविल लाइन्स स्थित नौमैला मस्जिद में नमाज तरावी में कुरान मुकम्मल हुई। तरावी की जमात में हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद अरमान रजा मरकजी किशनगंज बिहार ने कुरान मुकम्मल सुनाया। कुरान मुकम्मल होने के जश्न में मस्जिद जिम्मेदारान की ओर से हाफिज और इमाम को तोहफे से नवाजा गया। मस्जिद के इमाम मुफ्ती अब्दुल बाकी रजवी ने रमजान की फजीलत को बयां करते हुए अल्लाह से खुसूसी दुआ की। गोकच्छी गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, 2 तमंचे बरामद। भीतरी चैनपुर पुलिस ने रविवार को चेकिंग के दौरान पदारतपुर रोड से 4 गो तस्करों हारिफ उर्फ बुंदा, शरीफ उर्फ बड़े, अब्दुल कयूम और सलीम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 तमंचे, 315 बोर के 3 कारतूस और गोकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं।
आरोपियों ने बीती 28 मार्च को गोकशी की घटना को अंजाम दिया था, तब से पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। चारों को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।